1500 को जेडे खाना को ऑर्डर है, अभी बड़े 2000 आदमी आराम से पूछा। प्रशासन ने साधारण आदमी के लिए है, पावरफुल के लिए कुछ नहीं है। कोरोना काल की गाइडलाइन फॉलो कहीं नहीं होती है, किसको कहें, सब चोर हैं, किसको कहेंगे। हमारे तो पूरे दिन लाइन ही लगी रहे हैं। गवर्नमेंट में राजस्व देके जो ठेके चला रहे हैं उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। बाल बच्चा बाकी को नहीं के सुबह 100 रुपया कमा रहे हैं, बस सामने खा रहे हैं, बाकी बाल बच्चा को जरा तो भगवान ही चला रहे हैं। कोरोना का दौर कौन बाका बैठे भी नजदीक ही आवे। बंडल तो 22 को है लेकिन 30 रुपए ले रहे हैं लोग। लॉकडाउन आएगी तो धज्जिया उड़ा रहे हैं लोग भी। इस गांव में 7 डेथ हुई बता रहे हैं, अभी पता क्या है, एक एक जांच की चर्चा कर रहे हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ छापोली गांव में जो उदयपुर वाटी तहसील के अंदर पड़ा है, बहुत ही लोग ही शोक में डूब रहे हैं कि छापोली गांव में 7 जना की आपको एक ही दिन में दाग संस्कार होनो और तो एजी टा कोई 70 साल को हो, कोई 75 को हो, पर एक जो लड़को हो वो 20 साल को हो, अड़ा का जो लोग ही बाहू आप बात करने की कोशिश करांगा। तो वीडियो है इन अंत तक जरूर देखो। चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो। जय की थे सामने देख रहे हो कि छापोली गाँव को जो स्टैंड है पर देख सको कि 15-20 लोग ही बिल्कुल ही जा पास पास में बैठे ही लाग रहे हो नहीं कि जा लॉकडाउन लाग रहे है और सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ बना रखी है, लोग मास्क जरूर लगा रखे है पर पास पास में बैठे ही। अतः जना पास में क्या ले खड़े हो? अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग खड़े होते तो सारा एक साथ में ही खड़े हो। थे खड़े से आए हो बाइक लेके? घर से आए थे। खड़े से ही था घर? 3 किलोमीटर दूर था। बच्चा के साथ में गया? कल काम जा रहा हूँ। बच्चा का तो मास्क किया, कोई रुमाल कुछ तो जा रहे थे अभी तो घर में कोई दुपट्टा कुछ भी बांध के लिया था थानबेरो ने कि क्या इजाब बीमारी अब बेड पड़ गंदा वाले ने दिन रात ठेका खुला रही कोई बात पर पाबंदी को नहीं तो ठेका पर के कोरोना को नहीं फैले ने। कोरोना तो सभी जगह फैलता है लेकिन जो ठेकेदार पैसे पर गवर्नमेंट में राजस्व देके जो ठेके चला रहे हैं उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, उनको बंद कर देंगे तो वो पैसे गवर्नमेंट के कहां से? बाल बच्चा बाकी को नहीं के जगह साल बाकी को नहीं के जो सुबह 100 रुपया कमा रहे हैं बस सामने खा रहे हैं बाकी बाल बच्चा को तो उनके भी तो उनको भी परमिशन तो मिलनी चाहिए दुकान खोलने की। मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, इस पीड़ा से मैं भी पीड़ित हूँ और चोरी छुपे खोलते भी मैं कह रहा हूँ खोलते भी क्या करे कमा के तो खाएंगे। अब जैसे 1.25 करोड़ की छापोली की वाइन शॉप छुट्टी है और 1.25 करोड़ कहाँ से लेके आया गवर्नमेंट कोरोना काल में, उसकी वो फीस थोड़ी माफ कर देगी। नहीं बंद बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए थारी क्या सोच है? पर इस पे सोच ये है कि बंद तो होना ही चाहिए अगर और आम दुकानदारों के अगर लागू है तो वाइन शॉप के भी लागू होनी चाहिए क्योंकि बड़े भी तो लोग शायद शाम की दिन में बड़े लाइन लगे रहे बड़े की और दुकानदारों पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो की जाती है बाकी वाइन शॉप पे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना भी नहीं होती है। तो भीड़ हो रही है सच कहाँ हो रही है लॉकडाउन का मैं तो मतलब दारू की दुकान पर तो खुली बिक्री है। तो अंकल जी ये बात तो सोचन की है ना सरकार ने क्योंकि जो बेचारा 100-200 रुपया कमावी बस शाम ना आपको गुजारो चलावी तो या शराब की दुकान क्यों खुली है क्यों बड़े कोरोना को नहीं बड़े दूर भाग गए? नहीं बिल्कुल बेशक कोरोना का दूर कौन भागा बैठे भी नजदीक ही आवे। आम पब्लिक सारी परेशान है, लोगों का कारोबार सबका बंद होगा तो वाइन खोलना जरूरी थोड़ी है, दुनिया भर की भीड़ हो रही है बड़े। थारो काम धंधो कैसे चल रही कोरोना? बिल्कुल बंद पड़े हैं साहब, मैं पूरी दुकान बंद पड़ी है, होटल कर रखी बंद है। टाबर स्कूल में तो कौन जा रहा है पर जब बाकी एग्जाम लगेगी तो मैं रुपया भी लेंगा तो टाबरन कैसे के करूं तो लेना ही पड़ेगा अगर लास्ट का माना अगर कोई चारों ही होने हो जाए देना पड़ेगा। घर जा रहे हैं कोई बस आ जाए तो चले जाऊं है कोई कहे तो छपरलिम के लेन के लाए हो खावा था सामग्री तो ले जाऊं लून मिर्ची तेल। अच्छा अच्छा जानो कठे भैया गिरावड़ी मोड़ जाऊंगा तो सामान मिलोगे थाने? सामान तो मेरे को छोरे ले आ रहे हैं तो अभी लॉकडाउन लग रहे तो एक अंदर थर के क्या समस्या आ रही फिलहाल? समस्या तो ये है कि पीसा को भी देखना पड़े है और खाबा कोई बताने भी देखने पड़े है कैसे गुजारो चल रहे तो फिर जरा तो भगवान ही चला रहे हो अंकल जी बता रहे हैं कि 7 लोग तो खत्म हुए हैं और शाम की 3 साल की बच्ची और खत्म हुई है तो अंकल जी बा कहीं खत्म हुई बच्ची? वह कोई बीमारी हुई तान आई हुई और कोई खत्म हुई कहीं के बीमारी हुई था कुछ पता लगे नहीं जयपुर लगा जयपुर में एक्सपायर होगी जयपुर जाते हैं नेम का थाना जा रहा हूँ। क्या को वेट कर रहे हो? बस को अभी थोड़ी देर पहले तो आई है बस थोड़ी देर पहले आई लेकिन मेरे को काम है थोड़ा अर्जेंट काफी देर हुई देख रही हूँ कन कन कहीं बैठे हो लोग मैं तो पास में आ नहीं रहा मेरे पास में ही आ रहे उसको कैसे उठा सकता हूँ तो उठा गए कौन से को बोलो भाई दूर हो जा थानबेरो को नहीं करो ना कल चल रहे है हम तो मास्क लगा रहे हैं अगले ही नहीं लगा रहे हम कैसे कह सकते हैं ना लॉकडाउन लागू सामान मिल रही को नहीं बाजार में आ रही को नहीं 5 का 10 रुपया लें तो गरीब आदमी पर कत्ती भारी मुसीबत होगी ये बताओ
मुसीबत आवेगी क्या आ रही है घनी आ रही है आ रही है ना कोई भी चीज ले डबल पीसा लाग रहा तो इको समाधान सरकार कौन कर सके थार कौन कुछ लिए है क्या एक्स्ट्रा पीसा हम मार्गन तो लेते आ रहे हैं रोज ही ले कोई आज कोई नहीं मिलेगी ये लेके आया जो भी सामान का थार कौन डबल कोई बीड़ी वाड़ी लेके आएगी बीड़ी मान लो सिगरेट मान लो गुटखा मान लो जर्दो मान लो और कुछ चीज छोटी मोटी और मान लो मतलब सब पर अजय लोग कुमा बैठे हैं कम माल को नहीं लेनी हो तो लेने चल आगे पकड़ तेरा भाई दूसरा मतलब सीधा बोल रहे हैं आगे बिना लोग रह कौन सके अब देखो जगह का आदि है जगह तो लेगा चाहे 20 लियो चाहे 30 लियो सरकार ने क्या बोलना चाहो सरकार ने यही बोलो चाहो सब या तो इन्हें जमा बंद करो और या फिर कोई भी आदमी ले तो भी फिर जायज रेट ही लागनी चाहिए 30 का 60 ले लागो यो कौन ले हां कंपनी री जर्दा के भाव डबल हो रहे हैं यहां तो पूरी छापोली में कितना रुपए का होवे जर्दो 10 रुपए का 20 रुपए का 15 रुपए का 30 रुपए का 20 रुपए का 40 रुपए का बीड़ी के 20 रुपए के 25 रुपए जर्दो हैं खाओगे मैं तो खावा भी आ बेचा भी आ लेकिन भाई को नहीं था के खावर के बेचा यो 5 रुपए को है 10 रुपए ले देख ले ये एक ही नहीं पूरी छापोली के बाणियां कर रखी है ये सब पूरे छापोली के बाणियों ने मनमानी कर रखी है होलसेल विक्रेता है ना उन सभी ने मनमानी कर रखी है किसको गए सब चोर हैं किसको कहेंगे कोई कार्रवाई नहीं होती है कोई भी नहीं आता कहने के लिए सब खोल खोल के आधा शटर डाल के सामान बेचते हैं 11 बजे तक कोई टाइम आधा शटर बाद में सब खुला रहता है अभी देख के भागे हैं आपको आप लोगों को अभी तो पूरा मार्केट खुला है मार्केट खुला है देखो खोल रहा अभी बंद कर रहा है तुम्हारे सामने देख लो तम्बाकू सब कुछ डबल दे रहे हैं तम्बाकू छोड़ के चीनी का भी दाम चीनी का भी दे रहे हैं 60 दे रहे हैं 38 का 60 ले रहे हैं थरगाम में 7 लोगों की मृत्यु हुई है 6 तो बुजुर्ग थे जो खत्म हुए एक बच्चा था 20-22 साल का वो तो बीमार था 8-10 दिन से दाग संस्कार करने गए ही तो एक दो लोग तो गया खुनी तो वह दाग संस्कार के तो जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग रखता होते कोरोना काल चल रहे भी गाइडलाइन फॉलो करता करी है तो कैसी कता के लोग गए ही कोरोना काल की गाइडलाइन फॉलो कहीं नहीं होती है आप उदयपुर वाटी पंचायत समिति में तहसील में जाके देखो वहीं नहीं हो रही है यहाँ होगी क्या गाइडलाइन भी विधायक की शादी में टोटल कता लोग पूछा वह अगर भट्ठे पालना नहीं है ना साधारण गाँव में जठे परिवार भी है अड़ोसी पड़ोसी भी है तो 50 की बजाय 100 आदमी तो आराम से जाए जाए तो यही अगर मृत्यु होगी कोई की तो भी बड़े 20 की दे मिले तो 50 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा प्रशासन ने साधारण आदमी के लिए है पावरफुल के लिए कुछ नहीं है 25,000 को चालान काट ले ज्यादा से ज्यादा और से जीम रावे आगलो 1,000 को खानो बना रहे है अब विकाल को कड़े को उदाहरण है साकमरी को की को हो वो जैसे 1500 आदमियों का खाना को ऑर्डर हो अब तो देख लो कत्ता जोड़ा पूछना चाहे भी बड़े 1500 को खाना को ऑर्डर है 2,000 पूछे उसी फिर आज तहसील का मान जाकर देख लो कलेक्टर आ रही है तो 50 जना से ज्यादा आदमी यहाँ चारू मेयर घेरो दिए खड़ा मिल जाएगा थाने कट्ठे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करोगा थे या बताओ तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है दूसरी डाणी में जाए ना पानी ले पाता तो बन पानी भी को ले और करो व्यवस्था कर अतरा दुखी हो रहे हैं डाणे का लोग आश्वासन देखो ये कर देंगे वो कर देंगे काम होता नहीं है बस में काफी सारा लोग बैठे तो थे बस में कहीं से बैठ के आया हो एकदम पास पास में कोई सोशल डिस्टेंसिंग क्यों थानबेरो को नहीं करोना काल चल रहे हो आप बोले हो मैं कनेक्टर ने मास्क तो लगा रखा है और यह तो सरकारी रोडवेज है सरकारी रोडवेज में यही हाल है तक लोग बिठा रखे थारे साहब क्योंकि 50 का समथिंग 40-45 लोग है 50 लोग तो वहीं बैठे ही दबा दबा 40-45 साहब है एक दो सीट खाली बाकी सब सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है मतलब सरकार की जो गाइडलाइन है अभी का तो अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा ना पब्लिक ने अगर सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी अगर ये रूल ने फॉलो नहीं करा है तो या तो गलत है अभी हाल आया फिलहाल दिल्ली से छापोली गाँव में ही आया छापोली गाँव में तो दिल्ली में दबा दबे 40-45 लोग बरखी नहीं दिल्ली से तो कम है दिल्ली से तो कम आ रहे अच्छा अच्छा दिल्ली से तो मतलब 30-35 लोग हिसाब से बस में बिठाया तो कोई सैनिटाइजर वगैरह की सुविधा दी कुछ सुविधा को नहीं सैनिटाइजर की तो थे थारकन तो होगी सैनिटाइजर नहीं मैम सैनिटाइजर को नहीं फिलहाल कहीं आया हूँ स्टैंड पर स्टैंड पर तो वो गाड़ी लेकर आये क्या की गाड़ी सवारी गाड़ी का यहाँ मतलब है थे अभी सवारी लेके जाओ नहीं नहीं सवारी नहीं लेके जा रहा मेरे पर्सनल कोई काम आया हूँ तो अभी बस जा रहा ही था मैं थोड़ी देर में कोई भी हाथ दे देते कड़ीन भी जाओ तो कोई भी तो ऐसे हाथ देने से मैं बैठाऊंगा नहीं क्योंकि माहौल ही खराब चल रहा है तो मेरे को थोड़ा मरना है मैं कम कमा लूंगा कम खा लूंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा सब्जी की दुकान है तू थे तो ध्यान रख रहे हो क्योंकि थर में थरकन तो काफी सारा लोग आने लग रहे हैं दिन में भी काफी लोग मारे कन तो पूरे दिन लाइन ही लगे रहे हैं तारो बढ़िया काम चल रहे दिख रहे बढ़िया तो मते चल रहे हो 10 लाख की गाड़ी खड़ी खड़ी की किस्त चुका वो कहीं चुका हूँ वो जाना है मारो जी हाँ अब फाइनेंस साढ़ा इन और पकड़ ले जाना कितनी बजे हम कितनी बजे तक खुले रखो थे दुकान मैं तो सुबह से लेर शाम तक 11-11:30 बजे बंद कर दिया हाँ फिर 5 बजे खोला और 7
छः बजे तक। जो छपोली गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बिम भी आप आया हाँ देखा गा कि जो COVID-19 का टीकाकरण हो रहे हैं या को नहीं हो रहा और लोग कतो के अपनी सावधानी बरत रहे हैं और डॉक्टर के कति के सावधानी बरत रहे हैं। इस गांव में 7 डेथ हुई बता रहे हैं तो अभी पता क्या है, एक एक जांच की चर्चा कर रहे हैं और उसमें ये मिला है देखने को कि अधिकतर तो क्या है कि उम्र दराज व्यक्ति थे तो उनका है और अभी इनके घरों में जाके भी पता करेंगे और अभी पहले तो यहाँ आते ही यहाँ के PSC इंचार्ज से जायजा ले रहे हैं कि किस किस कारण से डेथ हुई है, उसके बाद में इनका कंफर्मेशन करते हैं और उनके घर वालों के सबके सैंपल कराएंगे। बाकी इसमें पता चला कि अधिकतर उम्र आदमी थे, 30 में 3 व्यक्ति तो 27 तारीख की को ही डेथ हो गई थी लेकिन लेट डेथ होने के कारण से उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए इसलिए उनका अगले दिन किया। एक उनके जो बेटे हैं वो हैदराबाद से आने थे इसलिए उनका दूसरे दिन किया और बाकी की डेथ 28 तारीख को हुई है। फिलहाल ते हॉस्पिटल के अंदर के सावधानी बरत रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है, यहाँ पे सब तरह की मेडिसिन जो कोविड में जरूरी है वो होनी चाहिए और यहाँ पे सर्वे हम कराने के लिए अभी मैंने सर्वे की रिपोर्ट इनकी देख रहे हैं कि इन्होंने लगभग इस गांव के अंदर 1900 घरों का सर्वे कर लिया, 9600 व्यक्तियों का सर्वे कर चुके, जो भी गाँव के अंदर खांसी बुखार के मरीज हैं या कोई बाहर से आए हैं उन सभी के सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल लेने के बाद में उनका आगे जो भी है अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा और अगर नेगेटिव आते हैं तो ठीक है कोई इशू नहीं है। गांव में 9 पॉजिटिव हैं लेकिन जो अभी डेथ हुई है ये सारे 9 के 9 हैं, होम आइसोलेशन के अंदर हैं, उनको घर पे ही हम विटामिन सी है, जिंक सल्फेट है और पैरासीटामोल है उनके घर पे मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे और अगर सिम्टोमेटिक मॉडरेट या सीवियर पेशेंट होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराते हैं। तो आज जें की कोविड वाला टीकाकरण को नहीं हो रहा तो क्या की बात हुई है? वैक्सीन को नहीं, कई दिन हम खत्म है, कल शाम को तो आज ही खत्म है, जो सप्लाई आते काल ही कर देंगे तो आज आज कल को नहीं। ई वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो है लाइक करो शेयर करो और चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और कुछ लोग हैं बस सब्सक्राइब तो कर रखे हैं पर जो पास में ही घंटी है बेल आइकन बा कौन दबा रहे हैं तो जो लोगों का नोटिफिकेशन कौन पूछ रहे हो नोटिफिकेशन नहीं पूछ रहे तो वह वीडियो कौन देख पा रहा तो जो सब्सक्राइब के पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो ऑल नोटिफिकेशन पर दबा लो जो भी न्यू वीडियो होगी की नोटिफिकेशन तुरंत थारे फोन में आ जाएगी। जय हिंद जय झुंझुनू।